Very good इवनिंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल। सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो फेस्टिव सीजन इज ऑन एंड वी आर ऑल हेयर। वेलकम टू ग्रेड अप एंड टूडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द महाराष्ट्र सेट एंड लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। एज सभी को पता है कि महाराष्ट्र सेट जो है वो 27th ऑफ दिसंबर को शेड्यूल है। सो 27th ऑफ दिसंबर के लिए अभी से हम लोग तैयारी शुरू करेंगे फॉर पर्टिकुलरली फॉर महाराष्ट्र सेट एंड दीज सेशंस विल बी ऑन सैटरडे एंड संडे। मैं दोबारा बता देता हूँ, सैटरडे एंड संडे को हम लोग ये क्लासेस करने वाले हैं ऑन यूट्यूब ओनली। हेलो शोभिक, हेलो प्रभात, हेलो धर्मपाल, हेलो एवरीवन एंड दिवाली की सबको बड़ी बड़ी हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो स्नेह लता साहू, नो वरी स्टिल दिवाली इज ऑन सो डोंट वरी, डोंट से बिलेटेड हैप्पी दिवाली। हेलो कंचन एंड लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दिस। ओके सो सबसे पहले जो मैंने कहा, सो फ्रॉम नाउ ऑन एवरी जस्ट अ मिनट, फ्रॉम नाउ ऑन एवरी सैटरडे, राइट, एवरी सैटरडे एंड संडे राइट एट 7 PM वी विल बी प्रैक्टिसिंग महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशंस and all the unit wise previous year question papers. So we will be coming up with this previous year question papers. And jaise ki ye pehla starting kiya hai, to starting from 15th of November, jaise today, and till 26th of December, that is Saturday, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हर दिन। एंड आपको यूट्यूब के चैनल में आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन जरूर जाएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड दिस इज द फर्स्ट वन वेयर वी आर स्टार्टिंग विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं यूनिट वाइज। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व देम लिटरली विद एक्सप्लेनेशंस, नॉट ओनली द आंसर कीज बट ऑल्सो कैसे उसको निकाला, कैसे किया। ओके सो आर वी रेडी, वेरी हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू हियर, साउंड इंटरेस्टिंग। एंड जिन्होंने ये नहीं किया, जिन्होंने महाराष्ट्र सेट के लिए जो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बिलीव मी सीबीएसई सॉरी एनटीए यूजीसी नेट के लिए आप कोई भी सेट एग्जाम उठा लीजिए, हर सेट एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट बिकॉज कहीं ना कहीं सेट के क्वेश्चन जो है वो नेट में आते हैं और नेट के क्वेश्चन जो है वो सेट में आते हैं। सो इट्स लाइक इट्स अ गुड प्रैक्टिस बिकॉज दीज आर लाइक सेट एग्जामिनेशन जो कि ऑलमोस्ट इनका लेवल जो है वो एट पार है यूजीसी नेट के हिसाब से। एंड सो इसलिए इसको प्रैक्टिस वी कैन ऑल कंसिडर एज अ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस सेशन काइंड ऑफ स्टफ इफ यू आर नॉट अपियरिंग फॉर महाराष्ट्र सेट। सो वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ डिमांड वी आर एंड लाइक व्हाट हाउ यू लाइक इट। सो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज कॉमेंट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके सेट के लिए, आपके स्टेट के लिए अगर हमें कोई सेट एग्जामिनेशन का करना है तो प्लीज लेट मी नो, लेट इट बी लाइक झारखंड सेट और इट कैन बी वेस्ट बंगाल सेट। Obviously, we can come up with some kind of previous question paper or some kind of topic allocated for that, right? So, in this section, I'm going to take care from 2015 to 2019 question papers. And total overall, I think, if I'm not wrong, there are 87 questions. So, these are huge. 87 questions we are going to do in next 60 seconds. We are ready. What about all of you? Hello, Suresh. Hello, Nisha. Prabhat. What do you say? Sound interesting? Kaisa laga ye idea? महाराष्ट्र सेट के लिए अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, बताइए मुझे अभी। शोवेक हाउ डू यू लाइक दैट, अकीफा ज्योति श्रीनलता हाउ डू यू लाइक दैट, वेदर दिस इज अ नाइस कॉन्सेप्ट और ये डेफिनेटली शोवेक आई विल कम अप विद झारखंड ऑल्सो। हेलो रवि, ओके सो दिस इज ऑल दोज हु कैन हियर मी नाउ दे कैन ऑल्सो लिसन टू मी हियर ऑन यूट्यूब ऑल्सो। ऑसम प्लानिंग, ग्रेट। So this is what where I'm live particularly in YouTube now. So all those people who can they can follow me in either way, right? So shall we start with the questions? The number one question, the question number one, shall we start? Hello Priyanka. So this is dedicated session. So every Saturday and Sunday I will be there on 7 PM. Isko dimag mein bitha lijiye, 7 baje Shanivar aur Ravivar. Thank you Shovik for such lovely words. सो हर शनिवार एंड रविवार आज से लेके 26 दिसंबर तक वी आर गोइंग टू कम अप विद महाराष्ट्र सेट, राइट? ओके शैल वी स्टार्ट, ग्रेट, फाइन, लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन हियर, कंसीडर द पेयर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एक्स एंड वाई, सो देयर आर टू गुड्स एक्स एंड वाई। ओके
देखिए, मैं जब पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को, पर्टिकुलरली चाहे वो महाराष्ट्र सेट हो चाहे वो यूजीसी नेट हो, आपको क्वेश्चन पढ़ते समय पहले आपको ऑप्शन में मत जाइए, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को डिड्यूस कीजिए, नॉट की एक बार रीडिंग किया। मैं रीडिंग और पढ़ने के बारे में, देयर इज अ डिफरेंस। सो व्हाट आई डिड, कंसिडर द पेयर ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई। सो मैंने यहाँ पे एक्स एंड वाई लिख लिया। इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन प्राइस ऑफ वाई फॉल्स, द प्राइस ऑफ वाई फॉल्स, द डिमांड फॉर एक्स राइजेस, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब प्राइस फॉर वाई फॉल होगा तो यानी कि डिमांड फॉर वाई भी, वाई इंक्रीज होगा। सो जब डिमांड फॉर वाई इंक्रीज होगा तो डिमांड फॉर एक्स इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में। सो ये किस टाइप के गुड्स होंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड यू चूज रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द गुड। सो अगर वाई इंक्रीज हो रहा है, एक्स इंक्रीज हो रहा है, तो इट शुड बी, विच वन इट शुड बी, इट शुड बी ए। फैंटास्टिक, वेरी गुड। सो इट शुड बी ए, राइट। बोथ ऑफ देम आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है जैसे एक दूसरे के साथ चलते हैं। सो सपोज यू हैव, यू टेक ब्रेड एंड बटर। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड, इफ द प्राइस ऑफ ब्रेड फॉल्स, द डिमांड फॉर ब्रेड इंक्रीजेस, एंड दैट्स व्हाई द डिमांड फॉर बटर ऑल्सो इंक्रीजेस। सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट इफ they are correct or incorrect, right? When average total cost, that is normally AC, right? AC in the short run is at minimum. So AC jab minimum hai, let's suppose this is the minimum, and the corresponding marginal cost is also minimum. Okay, this kuch galat lag raha hai isme. The average fixed cost during the short run is U shape. Ye fine, average U fixed cost hai ye. So okay, and we know that average fixed cost looks like this, right? So in this case, what should be the answer here? Both are correct, both are correct, or both are incorrect. U shape mein to hota nahi hai. AFC is always like this. It's like a rectangular hyperbola. It's like a rectangular hyperbola, and it is not U shape. ABC is also U-shape, but AC, AFC is not of U-shape, right? So in this case, both the statements are incorrect, because jab AC short run mein minimum point pe hai, to MC is already somewhere here, right? So jab SAC or average total cost is at minimum, MC usse pehle hi minimum pahunch chuka hai. So this is wrong, this is wrong. Isliye maine kaha ki kuch gadbad hai is question mein, right? All of you okay? Is it clear? So yes, it's 2C. Very good, Ravi. The answer is 2C. Both are incorrect statements. Uncertainty influences the estimation of cost, revenue, and hence the. Now these are the very tricky kind of question. देखिए यहाँ पे uncertainty है, right? So इसके वजह से cost भी आपका change हो जाएगा, revenue भी change हो जाएगा, right? So when it is about the cost and the revenue, so obviously profit तो change होना ही है, and यही चलाकी question में है, and hence the में प्रॉफिट नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों ने, जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं महाराष्ट्र सेट जिन्होंने अपीयर किया था, मुझे उन्होंने बताया कि सर इसका आंसर प्रॉफिट होना चाहिए, बट इसका आंसर प्रॉफिट नहीं है। व्हाई? बिकॉज कॉस्ट एंड रेवेन्यू जब चेंज हो गया तो पेरेंट तो चेंज होगा नहीं है, बिकॉज व्हाट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। सो ये तो चेंज होना ही है, जब ये दोनों चेंज हो गया तो ये तो चेंज होना ही है, बट क्वेश्चन यहाँ पे है एंड हेंस द डिसीजन ऑफ द फर्म, नॉट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। वेरी गुड, इस 3B, नॉट द प्रॉफिट। ये ट्रिकी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ट्रिकी था, राइट? नो, इट्स नॉट द इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट द इंश्योरेंस पॉलिसी। ऑल ऑफ यू हु आर देयर ऑन यूट्यूब, प्लीज आंसर दिस इन दिस मैनर, प्लीज फॉलो दिस पैटर्न, क्वेश्चन नंबर फॉलोड बाय ऑप्शन, राइट? प्लीज, आई मीन लाइक आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वेदर यू आर राइटिंग इट राइट और ए बी सी आता रहता तो समझ नहीं आता। सो इन केस यू वुड लाइक टू आंसर, प्लीज आंसर इन दिस फॉर्मेट, दैट क्वेश्चन नंबर फॉलोड बाय द ए। सो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3A 3B भी कर सकते हैं, राइट? प्लीज। सो इन दिस केस द आंसर इज डिसीजन ऑफ द फर्म, बिकॉज यहां पे हेंस है। अगर इस क्वेश्चन में यहां पे आता देयर बाय, राइट? सो अगर एंड हेंस की जगह देयर बाय आता तो प्रॉफिट आता, बट यहां पे देयर बाय नहीं है और एंड हेंस यानी कि और। सो एस्टिमेशन और रेवेन्यू में फर्क हुआ और इसलिए डिसीजन में फर्क पड़ रहा है, तो इसलिए डिसीजन ऑफ द फर्म। क्वेश्चन नंबर 4, अ डैश गेम इज वन इन विच इट इज नॉट पॉसिबल टू कमिट द स्ट्रैटेजीज, राइट? सो कमिट टू द स्ट्रैटेजीज, सो इन विच टाइप ऑफ गेम? सो वी नो दैट देर आर मेनी टाइप्स ऑफ गेम, कॉपरेटिव गेम, नॉन कॉपरेटिव गेम, जीरो सम गेम,
positive game and many other games. So in this case, a particular kind of game in which it is not possible to commit to the strategy, it is called as non-cooperative strategy, non-cooperative games, right? So just remember that. Non-cooperative game is the game in which it is not possible to commit to the strategies, because you don't know what kind of strategy the other person will be coming out with. So this is the answer B here. Under could not duopoly model, the equilibrium price is dash. So could not come duopoly model, wo wala model hai, jahan pe hum log samajhte hai, that is a, it's a out wo, output war. So ek firm jo hai, wo ye sochta hai, it considers that the other firm is not going to change the output, right, in the next period. So इसलिए action reaction curve में वहाँ पे output हम consider करते हैं. So in this case क्या होगा answer? What should be the answer here? The equilibrium price is dash in Cournot duopoly, and Cournot duopoly is a output war model, right? It's a output war model जहाँ पे output के लिए change होता है. So prices are prices के बारे में इसमें नहीं है. Right. So in this case, very good, fantastic, Aishwarya and Dharampal, the answer is D. Because in this case, Cournot duopoly model hai, it's like a simple oligopoly model. And in this case, oligopoly model mein kya hota hai? Because the prices of oligopoly model, kisi bhi oligopoly model mein, I'm not talking about the Burton model. In simple case, the price of oligopoly model, jo hai, wo jyada rahega price of competitive firm se, and it will be lower than the price charged by monopoly, right? Because it is very simple. कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स होते हैं, इसलिए प्राइस सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव रहता है और कम रहता है. ओलिगोपोली में कम लोग रहते हैं तो इसलिए उसका थोड़ा सा ज्यादा रहेगा. मोनोपोली में बहुत एक ही रहता है तो इसलिए द प्राइस विल बी हायर. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मोर देन कॉम्पिटेटिव प्राइस एंड लेस देन द मोनोपोली प्राइस. हाउ इज दैट? हाउ इज द क्वेश्चन क्वालिटी ऑल ऑफ यू? दोज हु आर नॉन महाराष्ट्र स्टेट पीपल, I think the question quality are quite good. It's not, please don't underestimate the, you know, the power of the Maharashtra set examination. This is fantastic quality I've seen, and that's why I thought of coming up with that. Okay, so the answer here is D. The backward bend in the shape of supply curve of labor is caused because by. Why it is caused? Because dekhiye, again hai backward bending of supply curve. So yahan pe hota kya hai? Jaise jaise aapka wages badega, so in on this side we have wages, and in this side I have labor, number of hours, and in this case I have number of hours enjoyed for leisure, right? Leisure matlab main kaam nahi kar raha, so in that case, so jaise jaise mera wages badega, my labor will increase, but after a certain point of time my leisure will increase because main is taraf ke ja raha hu. Pehle main jab main yu ja raha tha to I am going towards this side of the सिचुएशन और दिस साइड ऑफ द एक्सिस, लेकिन जैसे ही मैंने यहां पे आना शुरू किया, सो आई एम गोइंग टुवर्ड्स दिस साइड, यानी कि दिस साइड इज योर लेजर एंड दिस साइड इज योर इंक्रीज इन द लेबर. सो द बैकवर्ड बेंडिंग इन द शेप ऑफ द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज कॉज्ड बाय द एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड्स वर्क एंड लेजर, राइट? ऑल क्लियर? वेरी गुड अकीफा. नो, इट्स बी. यस, ओके. Moving to the next question. According to Dorfman, Samuelson and Solo, general equilibrium analysis become dash if it is not known whether an economic system can attain a general equilibrium or not. So basically in Dorfman, Samuelson and Solo ka matlab ye tha general equilibrium ke leke ki agar ye economic system can attain general equilibrium, that is if you focus on what if you focus on n plus 1 markets, so the nth market will always be in equilibrium automatically, because ye sare ke sare, what is general equilibrium? Jahan pe shoe market, TV market, laptop market, what I can say, what mobile market, everything that you see across yourself, right? So general equilibrium mein kya hota, sare ke sare market jo hai wo ek saath equilibrium ki taraf jate hain, right? So that is the situation. So yahan pe according to Dorfman and Samuelson, jab koi economic system can attain the general equilibrium, yes, so when it can attain a it can attain a general equilibrium, so then it will become very important tool. But if it is known,
If it is not known whether an economic system can attain general equilibrium or not, so it will become practically useless because you cannot use that general equilibrium analysis. और इसीलिए सबसे बड़ा problem general equilibrium analysis में ये था कि क्योंकि अगर system general equilibrium attain नहीं कर पाता है, then there is no point of using it. That is why जब हम लोग normal demand पढ़ते हैं, normal supply पढ़ते हैं, normal market पढ़ते हैं, तो हम लोग हमेशा एक demand, एक supply की बात करते हैं, right? So when we talk about the demand and supply, right, in this manner, so we are talking about only of one particular market, ceteris paribus. That is, सारे के सारे दुनिया जहां जो है, बाकी सारे market अपने आप में constant है. So इसलिए हम इसको कहते हैं, this is my partial equilibrium. राइट क्योंकि यहां पे जब हम बात करते हैं द लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई तो सेट्रस पेरिबस का यूज करते हैं. सेट्रस पेरिबस वर्ड का मतलब है एवरीथिंग एल्स रिमेन सेम, हर चीज वैसे की वैसी रहेगी. तो इसलिए जब कोई इकोनॉमिक सिस्टम जनरल इक्विलिब्रियम अटेन ही नहीं कर पाएगा तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का कोई मतलब ही नहीं बनता. दैट इज व्हाई इट इज बिकम्स प्रैक्टिकली यूजलेस. राइट, यस. According to Calder Hicks compensation criteria, a change in economic policy leads to an improvement in the social welfare and it will also lead to the Pareto optimality if. ये मैंने अपने आप से add कर दिया. Calder Hicks ने क्या कहा, देखिए Pareto ने क्या कहा कि Pareto ने कहा कि a movement where nobody can be made better off without making someone worse off is a Pareto optimality condition and that journey is called as Pareto improvement condition. उसके आगे कैल्डर हिक्स आए, उसके आगे स्किटोस्वी आए, उसके आगे विलियम्स गोर्जमैन आए, उसके आगे आईएमडी लिटिल आए, फिर लास्ट में पॉल सैमुअलसन आए. सो ये जो कहानी है यहां पे कैल्डर हिक्स ने क्या कहा कि कैल्डर हिक्स ने पैरेटो एफिशिएंसी जो पॉइंट था उसके आगे भी एक स्टेप लेके गए कि ऐसा सिचुएशन जहां पे जो विनर है वो लूजर को कॉम्पनसेट कर सके और उसके बाद भी वो अच्छा रहे इनिशियल एंडोमेंट से तो ही वो कैल्डर हिक्स कंपनसेशन क्राइटेरिया में आता है. और कैल्डर ने कहा था ये कहानी फ्रॉम द विनर्स पर्सपेक्टिव एंड हिक्स ने कहा था इट फ्रॉम द लूजर पर्सपेक्टिव. राइट, सो यहां पे लूजर डू नॉट अपोज चेंज, ये तो बहुत ही गलत आंसर है इसका. द गेनर कैन जस्ट कॉम्पनसेट द लूजर, नो. गेनर कैन नॉट ओनली कॉम्पनसेट द लूजर बट ऑल्सो कॉम्पनसेट करने के बाद भी अच्छा रहे गेनर. So gainer can compensate the loser for their loss and still remain better off than before. Yes, this is the answer. Right? All of you understand this? Very fantastic. Akifa has given the right answer. Mansi, Ravi also. Very fantastic. Dharampal, sabhi ne answer sahi diya hai. Kya baat hai? Yes. Very good. Bhubaneshwar, partial equilibrium has been given by Marshall. Very good. Okay. Moving to the next question. Moral hazard are a result of asymmetric information because moral hazards कब आते हैं आपके? Am I right? Clearly see that. What about ninth question? Moral hazards are basically because of asymmetric information, right? So moral hazards और देखिए total मिला के जब हम बात करते हैं asymmetric information का, so इसके ऊपर मैंने एक last time भी video बनाया है, उसमें I mean like Friday we did that or Thursday we did that. Right, moral hazard and asymmetric information and adverse selection. So इसके वजह से दो चीजें होती हैं. एक तो है moral hazard और एक होता है आपका adverse selection. Adverse selection का मतलब है worse selection, नहीं गलती से selection कर लिया है क्योंकि आपके पास information पूरी नहीं है. और moral hazard में क्या होता है, this is always at the after the sale, this is always after the transaction, after the sale. And adverse selection is at the point of sale, right? क्योंकि आपको नहीं पता इसीलिए आपने वो सेल कर लिया, इसलिए आपने वो ट्रांजेक्शन में आ गए. So in this case, it is asymmetric information. और word asymmetric information का मतलब क्या है, किसी के पास ज्यादा information है और किसी के पास कम information है. Wrong information, lack of information, perfect information, symmetric information, ये सब कुछ भी नहीं है. The answer is C in this case. Okay. सोशल वेलफेयर फंक्शन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय बर्टसन. राइट, याद है बर्टसन का अपना एक बर्टसन, ही केम अप विद द सोशल वेलफेयर यूटिलिटी फंक्शन एंड ही मेंशन दैट यूटिलिटी ऑफ द एंटायर सोसाइटी कैन बी बेसिकली रिगार्डेड एज U1, U2, U3, दैट इज अ टोटल इंडिविजुअल यूटिलिटी को अगर हम जोड़ दें तो वो हमारा सोसाइटी का वेलफेयर फंक्शन आ जाता है. दिस वॉज गिवन बाय बर्टसन. इसके बाद बेंथमाइट आया, फिर बहुत सारे और लोगों ने दिया, वॉन न्यूमैन भी वन ऑफ देम.
So it was the first one was Birdson. So this is there in my those people who have been, yes, those people have, who have been following me. So you can find this there in my notes, the grade up notes. You can definitely see that answer is Birdson. Okay, let be this as a Cobb Douglas production function. What is alpha here? So देखिए यहाँ पे question बहुत घुमाया हुआ है, right? So बहुत सारे बच्चों ने इसको जो answer दिया है alpha, क्योंकि हम लोग normally alpha जो है हम लोग ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक छोटे से problem ये था कि you are not given the technological coefficient here, right? So यहाँ पे अगर हम elasticity of output की बात करें तो ये जो है ये alpha and beta, these are my output elasticity. So alpha is the output elasticity with capital and beta is the output elasticity with respect to labor. ठीक है, so यहां पे which one, why not be where, Nisha, which question, which question are you talking about? Why not be, I will not be in a position to answer that. आप पूरा क्वेश्चन लिखिए कौन सा वाला है. So in this case if you see that alpha किसके ऊपर है, capital के ऊपर है, तो this is the answer is elasticity of output with respect to capital, the alpha value. अगर यहीं पे beta के बारे में पूछते तो हम लिखते हैं कि elasticity of output with respect to labor, right? Okay, एक चीज और है, मैं एक बार और बता देता हूं आपको यहाँ पे. If you have want to find out the marginal product of labor, so what you have to do, this is given to you k alpha l beta. So अब हम क्या करेंगे, dy upon dl करेंगे, because हमें MPL निकालना है. That is marginal product of labor. So this is given as, so यहाँ पे delta किया है, partial derivative लगाएंगे हम लोग. So it is k alpha beta l beta minus 1. So this becomes my MPL. This becomes my MPL. और अगर मैं MPK करूँगा, so this will be dy upon dk is equal to alpha k alpha minus 1 l beta. So this is like this. So this is MPK. राइट, सो क्वेश्चन में अल्फा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल है. दिस इज द आंसर हियर. ऑल ऑफ यू थ्रू, ग्रेट, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एजवर्थ बॉक्स अलाउज द स्टडी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, एजवर्थ बॉक्स में दिस इज द एजवर्थ बॉक्स, इट डिपेंड, इट व्हाट इज द फर्स्ट मार्जिनल कंडीशन, व्हाट आर द थ्री मार्जिनल कंडीशंस. सो थ्री मार्जिनल कंडीशंस that is there in reference to the Pareto optimality and Edgeworth is the first one is MRX, marginal rate of substitution of A for X and Y is equal to marginal rate of substitution for X and Y of consumer B. Secondly, it is your marginal rate of technical substitution of X firm with L and K is equal to MRTS of Y firm with L and K. The third one is your MR, marginal rate of technical product transformation, that is the slope of your PPC, production possibility curve, is equal to MRX of X, Y is equal to MRX B, X and Y, right? So yahan pe dekhiye question kaise ghumaya hua hai, the two individual trading with two different goods. Yes, two individual with trading with no, one individual no, two countries, countries का तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे, right? So the answer here is no. I have given the explanation. You hear, you listen to that carefully. Yes, so यहाँ पे Edgeworth box जो है वो दो goods के बीच में, दो individual, दो goods के बीच में इंटरसेक्शन जो होता है उसके बारे में हेल्प करता है. The answer is A, और इसीलिए आपका जो ये पॉइंट्स है, दिस बिकम्स योर कॉन्ट्रैक्ट कर्व, जो सारे के सारे पैरेटो ऑफिशिएंट पॉइंट्स हैं, बिकॉज के सारे पॉइंट्स पे एमआरएस ऑफ दो कंज्यूमर्स आर इक्वल. सो यहां से अगर आप देखेंगे तो दिस इज एक्स, दिस इज वाई, राइट. एक क्वेश्चन और आया था यूजीसी नेट में, जहां पे ये बोला गया था कि ए जो है वो छे कर रहा है, छे कंजम्पशन एक्स के कर रहा है, तो बी कितना करेगा, तो बी करेगा चार अगर ये टोटल लेंथ इज टेन, बिकॉज एजवर्थ बॉक्स में ये कहानी है कि आपका लेंथ जो है वो आपका दोनों गुड्स का समेशन है, राइट. सो दोनों कंज्यूमर्स कितने गुड्स खा रहे हैं, एक गुड का, तो इसलिए वो है. सो दिस इज सिमिलरली हेयर ऑल्सो, अगर ये मेरा वाई कंजम्पशन है बाय ए, दिस विल बी वाई कंजम्पशन बाय बी. इन दिस केस इट इज द आंसर इज ए, वेरी गुड, राइट.
ओके द काउंटर पार्ट ऑफ बेनिफिट एक्सटर्नैलिटी, काउंटर पार्ट मतलब उल्टा, राइट, ऑपोजिट, ऑपोजिट. और बेनिफिट एक्सटर्नैलिटी का मतलब है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, राइट. सो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज का उल्टा क्या है, राइट. सो इन दिस केस अगर हम उल्टा देखने जाएं तो व्हाट इज माय ऑपोजिट ऑफ बेनिफिट, इट इज कॉस्ट डेफिनेटली. एंड क्योंकि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है जो कि फर्म के डिसीजन में नहीं आता, इसलिए ये एक्सोजीनियस है, तो इसलिए द आंसर इज एक्सटर्नल कॉस्ट. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक सो. एंड द काउंटर पार्ट ऑपोजिट ऑफ द बेनिफिट एक्सटर्नैलिटीज और द पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इज द एक्सटर्नल कॉस्ट, राइट. आंसर इज डी. एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन रिक्वायर्स, ये मैंने अभी पीछे इक्वेशन में लिखा था, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन. सो दिस इज अ सेकंड मार्जिनल कंडीशन एंड एज पर दैट एम आर टी एस, दैट इज अ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, दैट इज अ स्लोप ऑफ आइसोक्वांट, राइट, ऑफ एक्स फर्म विद एल एंड के इज इक्वल टू एम आर टी एस ऑफ वाई फर्म प्रोड्यूसिंग विद एल एंड के. सो यहां पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ये तो हो नहीं सकता बिकॉज ये एमआरएस के बारे में है. टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन आर अनइक्वल, नो, इट इज इक्वल इनडीड, यस, दिस इज द आंसर. मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन आर इक्वल टू ऑल द फर्म्स, यस, ऑल ऑफ यू थ्रू, एनी डाउट हियर? ओके, ग्रेट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, if the firm has both monopolistic power in the product market and the monopolistic power in the input market, right, this is the question from the theory of factor pricing. So yahan pe kya hua, the firm is having a monopolistic power, right, monopolistic power in the product market, that is good market, and monopolistic power in the input market, that is jahan se wo labor le raha hai, labor market mein, right. Then the factor is paid a price that is देखिए मैं थोड़ा सा इसका पीछे का आंसर देता हूं क्या होता है. अगर फर्म जो है, मान लेते हैं यहां पे, इफ द फर्म हैज इज इन परफेक्ट कंपटीशन इन द प्रोडक्ट मार्केट एंड हैज अ परफेक्ट कंपटीशन इन द इनपुट मार्केट, देन द वेजेस दैट आर पेड, देन द वेजेस और द फैक्टर प्राइस और द पेड फैक्टर इज पेड एज पर द वेजेस इक्वल टू वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, राइट. अगर इसी केस में मोनोपोली आ जाता है, राइट, सो यहां पे क्या आएगा, W, राइट, इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, MRPL, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट. क्योंकि यहां पे मोनोपोलिस्टिक है दोनों ही चीजों में, सो दोनों ही केसेस में मोनोपोलिस्टिक है, सो द वेजेस दैट आर पेड आर, ओके, आई थिंक चल रहा है बहुत ज्यादा, हाँ, ओके, द वेजेस दैट आर पेड आर लेस देन द मार्जिनल रेवेन्यू product, so it is the B answer. So wages are less than the MRPL. The reason is because आपका जब भी कोई नया, because दोनों ही cases में आपके पास monopoly power है, right? So monopoly हमें पता है कि वो जो है वो basically it takes a decision as per the MR is equal to MC, जहाँ पे उसका demand curve के बराबर रहता है, that is a point जहाँ पे उसका AR is not equal to MR. इसीलिए जो wages paid in a monopolistic firm having a monopolistic competition in a good market, और वही monopolistic, basically monopolistic power मतलब क्या हुआ यहाँ पे, it is a monopsony, single buyer है यहाँ पे, right? So this is the input market. So in this case the answer is less than the marginal revenue product. Yes, slight complicated, huh? Okay, moving to the next set. It is January 2018 question. So January में दो papers थे, paper 2, paper 3, right? So let's start with this. Autonomous demand, this is a very unique question I found, and इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये सभी के लिए important होगा. Yes, okay, very unique question, and that is why I would like all of you to know this. Autonomous demand indicates what? ये देखिए, ये question जो है आपका autonomous consumption नहीं है, autonomous investment नहीं है, right? So autonomous demand indicates what? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसका आंसर आप सभी को समझ में आ जाएगा. थोड़ा सा दिमाग माइक्रो से हट के लगाइएगा, जरूर समझ में आएगा. ऑल ऑफ यू आंसर दिस क्वेश्चन, थिंक ऑफ इट. थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन. हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस? ऑटोनोमस डिमांड इज व्हाट? अच्छा ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करता हूं. थिंक ऑफ द लियोंटेफ मॉडल,
इनपुट आउटपुट एनालिसिस में, वहां पे हमने इसके ऊपर पढ़ा हुआ है, राइट। सो लेट्स सी दैट कमोडिटी इज यूज्ड फॉर बोथ एक्सपोर्ट एंड डायरेक्ट कंजम्पशन। Commodity is used for direct consumption and as an input to the product produce another commodity. Commodity is needed for direct use but not as an input to produce another commodity. Commodity is needed as an input to produce another commodity but not for the direct use. So all of these options are wrong. The C is right here because autonomous commodity demand कौन सा है जो कि आप direct use के लिए करते हैं, right? उस चीज को आप किसी भी इनपुट के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर आप इनपुट के लिए यूज करेंगे सो इट विल बी बिकमिंग द डिराइव डिमांड, इट विल बिकम डिराइव डिमांड इफ यू आर यूजिंग इट फॉर द इनपुट। बट अगर आप उसको सिर्फ फाइनल कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, फाइनल कंजम्पशन के लिए डायरेक्ट यूज के लिए कर रहे हैं, फाइनल कंज्यूमर्स के लिए कर रहे हैं, सो इट विल बी कॉल्ड एज ऑटोनोमस डिमांड एंड दिस इज द कमोडिटी दैट इज नीडेड फॉर द डायरेक्ट यूज बट नॉट एज एन इनपुट फॉर प्रोडक्शन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, very interesting, I find that interesting, that's why I'm sharing that. Very good, Bhuvneshwar has given the right answer here. Okay, moving to the next question. Stay out pricing approach. Stay out matlab dekhiye yahan pe entry level pe kuch ho raha hai ki aapka entry ban karne wale hain, something like that, right? Stay out pricing approach helps the firm to ascertain the maximum possible price it can charge from its consumer. No. Okay, helps the firm to ascertain the minimum possible price it can charge from its consumer. Helps the firm to ascertain the maximum price it can pay to its vendor. Helps the firm to ascertain the minimum price it can pay to its vendor. No, it is indeed the help the firm to ascertain the minimum possible price it can charge from the consumer, because this is the minimum policy, this is the minimum price. Dekhiye, this is the minimum price. If you can charge this price from the consumer, then no other firm can enter in the market, because जो भी firm आएगा वो इससे नीचे अगर बेचने की कोशिश करेगा तो वो शट डाउन प्राइस पे पहुंच जाएगा, राइट। सो दिस इज द मिनिमम प्राइस जो कि आप कंज्यूमर्स को बेच सकते हो, ताकि कोई दूसरा फर्म अगर इस जगह पे आए तो वो इस प्राइस पे नहीं बेच सकता एंड उसके लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो दैट इज बेसिकली यू आर पुटिंग अ बैरियर टू द एंट्री, आप एंट्री को रोक रहे हो, कोई नया फर्म नहीं आ सकता। दैट इज वाई द आंसर इज बी हियर, राइट। ओके, इंटरेस्टिंग। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अमाउंट ऑफ इनपुट्स अकर व्हेन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, राइट। व्हाट इज द कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? इट इज द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट, द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ the iso cost line, right? This is what the meaning is. And what is the slope of iso quant? It is MRTS, that is a marginal rate of technical substitution. A marginal rate of technical substitution kya hota hai, iska main thoda sa bata deta hu. This is not related with this, but main aapko thoda sa samjha deta hu uske liye. Marginal rate of technical substitution, it is actually given as MPL upon MPK. Dusra format iska ye hai कि इट इज डी डी क्यू बाई डी एल अपॉन डी क्यू बाई डी के, बिकॉज ये क्या है, ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है, राइट, एमपीएल है और ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एमपीके है, राइट। सो दिस इज एमआरटीएस। स्लोप ऑफ आइसोक्वांट क्या होता है? माइनस डब्ल्यू अपॉन आर, दैट इज वेजेस अपॉन रेंट। सो वेजेस इज, दिस इज बेसिकली द फैक्टर प्राइस, राइट। सो दिस इज द स्लोप ऑफ आइसो क्वांट, कहां है ये रहा, द स्लोप ऑफ आइसो क्वांट, दैट इज द प्रोडक्शन फंक्शन, बिकॉज ये तभी मैंने डी क्यू बाई डी एल लिखा है। सो राइट, दिस इज डी क्यू बाई डी एल अपॉन डी क्यू बाई डी के एक्सीड्स द, नो नोट नॉट एक्सीड्स, इट इज जस्ट अ मिनट, आई थिंक सम क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आया है, सम आइसो प्रॉफिट, यस दिस इज द पॉइंट, द स्लोप ऑफ आइसो प्रॉफिट लाइन इक्वल्स द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन लाइन, प्रोडक्शन फंक्शन। सो यहां पे क्या हुआ, देखिए आइसो प्रॉफिट लाइन का मतलब क्या हुआ, दैट इज द लाइन दैट गिव्स यू द सेम सेम प्रॉफिट, एंड आई स्लोप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन मतलब एमआरटीएस, जो मैंने अभी पीछे लिखा था एमआरटीएस इज इक्वल टू एमपीएल अपॉन एमपीके, वो पूरा है। एंड आइसो प्रॉफिट लाइन इज बेसिकली द स्लोप ऑफ आइसो प्रॉफिट लाइन इज डब्ल्यू आर अपॉन आर, इसको आइसो प्रॉफिट भी कहते हैं, आइसो कॉस्ट भी कहते हैं, राइट। सो जस्ट रिमेंबर दिस, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए। Any doubt here? Yes. Any doubt? Let me know. All fine. Great. Moving to the next question.
The producers shall not produce in the third stage of production because in that stage क्या होता है? Third stage क्या कैसे होगा? देखिए इसको. You all know this. So if I draw this TP curve, right? So इसके बाद MR, MP, हमारा AP and MP आ जाएगा. So total product this if I just put it in this manner. So it goes like this and it becomes like this, right? So the total product in the this is about third stage. So first stage, second stage and third stage. So kya hua yahan pe? The third stage of the production, because in that stage what happens, the total product is negative. Okay, shall not produce. This is not a ye bhi non-economic zone hai, ye bhi non-economic zone hai. So only production zone, economic zone is the second stage, right? So kyun production nahi karna chahiye usko wahan pe? Because your marginal product is negative, right? Your marginal product is negative, first of all. Very important question yahan pe. So this is the reason why it should not be producing here. So third stage mein kyun nahi production karna chahiye? Because aapka MPL jo hai wo negative aa raha hai. Yani ki agar aap koi naya labor le rahe ho to us labor se jo aapko production mil raha hai uska contribution jo hai wo negative hai. Usko lene ka fayda hi nahi hai. So that is why the producer shall not produce. देखिए यहाँ पे एक आंसर और मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर टोटल प्रोडक्ट इज ऑल्सो नेगेटिव. टोटल प्रोडक्ट इज नॉट नेगेटिव, इट इज फॉलिंग. नेगेटिव नहीं है ये, अभी भी ऊपर है, जीरो यहाँ पे है. इसके बाद मान लीजिए अगर टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया तो नेगेटिव होगा. सो ये आंसर भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत. सो आंसर इज बी, राइट? ऑल ऑफ यू थ्रू विद दिस? एनी डाउट हियर प्लीज लेट मी नो. सभी को क्लियर है ये चीज? Okay, great. Moving to the next one. If the commodities are perfect substitutes, the corresponding indifference curve would be. ये भी हमने notes में डाला हुआ है. Fantastic question. What do you say about this question? Perfect substitutes. Perfect substitute. देखिए इस बात को ये रखिए. Perfect substitute जब भी है, आपका IC curve will be like negative slope, parallel slope रहेगा. But अगर यही चीज आपका complementary हो जाएगा, so it will be like this. राइट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, लेफ्ट शू राइट शू, यू कैन फाइंड दैट इन माई नोट्स ऑल्सो. सो यहाँ पे आप देखिए इस केस में द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, द करस्पॉन्डिंग इंडिफरेंस कर्व वुड बी नेगेटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइंस. सो आई विल गो फॉर दिस, नॉट दिस. नेगेटिवली स्लोप कर्व्स है ये. देखिए कर्व्स का मतलब हुआ ऐसे, यहाँ पे स्लोप लाइन है, स्ट्रेट लाइन है. तो स्ट्रेट लाइन मतलब यहाँ पे द स्लोप ऑफ ऑल द आईसी रिमेन द सेम, स्लोप इज सेम. ऑल ऑफ यू थ्रू विद दिस? Thank you, Shobhik, for that, for lovely words. Yes, very good, fantastic. नहीं, मुझे खुशी इस बात की है कि जो बच्चे MH के लिए पढ़ रहे हैं, सेट के लिए पढ़ रहे हैं, उनको भी एक एडिशनल मिल रहा है, और जिन बच्चों ने जो नेट के लिए पढ़ रहे हैं उनको भी अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है, राइट? What do you say, guys? Let me hear something here on YouTube as well as on the app. What do you say, Bhubaneshwar, Kalyani, Dharampal, Anil? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये सब पढ़ा हुआ है कि सब अच्छा लग रहा है, राइट? और बुरा लग रहा है? लेट मी नो. व्हाट डू यू से गाइस हियर? स्नेहलता, अकीफा, रवि, शौविक, अदर्स, यस, ओके, ग्रेट. कंचन, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, द आंसर इज सी. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस. ये दिमाग में रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए आपका नेगेटिव एल शेप आता है. In the context of welfare economics, the social welfare function was put forward by whom? किसने डाला था? अभी किया है हमने. सबसे पहले social welfare function was given by Bertson. So Bertson and Samuelson is the answer here. Hicks and Samuelson ने नहीं किया था, right? Pigou and Samuelson ने नहीं किया था. Robbins and Skittlesby, they have talked about mainly about the Skittlesby paradox. So ये वहां पे नहीं है. So in this case, the Bertson, Benthamite, utilitarian, वहां पे जब आएगा तो this is a social welfare function. The answer to this question is D. Okay. Average fixed cost of production curve is denoted by, ये मैंने आपको अभी बताया था, that rectangular hyperbola होता है. ये लगेगा कि ये touch कर रहा है, touch कर रहा है, touch कर रहा है, tend to touch, but touch कभी नहीं करेगा, right? This is the condition of rectangular hyperbola. So AFC, that is the average fixed cost, और अगर इसको हम derive कहां से करते हैं? Total fixed cost से, right? So total fixed cost is
कॉन्स्टेंट, वेयर एज एवरेज फिक्स कॉस्ट टेंड्स टूवर्ड्स, ये लगेगा कि ये इसको टच कर रहा है, राइट, वर्टिकल एक्सिस को भी टच करने वाला है, लेकिन कभी नहीं करेगा. दिस इज द केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट. यस डेफिनेटली दैट्स द स्पिरिट कंचन, वेरी वेरी गुड, वेरी फैंटास्टिक. ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिमांड थ्योरी द एक्सप्रेशन चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस हैज बीन गिवन बाय हूम, टू हूम वी कैन अकॉर्ड दिस चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने का है और कुछ नहीं है, क्योंकि आप महाराष्ट्र सेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसा बोलना पड़ेगा. करिए इस क्वेश्चन को, व्हाट शुड बी द आंसर टू दिस. किसने दिया था रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, इट इज पॉल सैमुएलसन इन 1938. तीन तरह के थ्योरीज थे हमारे पास. पहला था कौन सा, कार्डिनल वॉज गिवन बाय मार्शल. उसके बाद आया ऑर्डिनल किसने दिया था, ऑर्डिनल, बहुत सारे बच्चे गलत आंसर देंगे इसलिए मैं पहले से आंसर दे देता हूं. ऑर्डिनल वॉज गिवन बाय एजवर्थ एंड पैरेटो. एजवर्थ ने 1881 में कहा था और पैरेटो ने 1906 में कहा था. इसी का एक पार्ट आता है जो कि है आपका इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, दैट वॉज गिवन बाय हिक्स एंड आरजेडी एलन की बुक हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स की, 1934 में लिखा था उन्होंने. सो हिक्स एंड आरजेडी एलन, दे केम अप इन 1938, राइट, बुक पब्लिश हुई थी 1938 में, 1934 में इन्होंने थ्योरी दे दिया था. और उसके बाद, ओके 1934 ही लिखता हूं मैं यहाँ पे, एंड उसके बाद पॉल सैमुएलसन, ही केम एंड ही हैज गिवन वन रिवील प्रेफरेंस थ्योरी, RPT थ्योरी इन 1938. सो ये क्वेश्चन बहुत बार क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाने के लिए भी आता है, तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए. आंसर इज ए. ओके, व्हाट कैन यू से अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुड नॉट डुओपोली मॉडल एज्यूम्स होमोजीनियस प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, दैट इज सेम इन शेप साइज कलर सब कुछ, राइट. Could not assume the price of the rival product producer is constant. ये थोड़ा सा मुझे गलत लगा. सोचिए इस क्वेश्चन के ऊपर. The first one is right because दोनों के दोनों oligopoly market में है, दोनों के दोनों एक ही सामान बेच रहे हैं, same size में बेच रहे हैं, right? So it is because of the homogeneity. So duopoly model, Cournot का model है, output war model है, जहां पे price आप सोचते हैं कि price का हम लोग price war नहीं करते, right? So यहां पे the first one is right, but the second option is wrong. It is wrong because Cournot may assume the price of the rival producer, price की जगह पे output होगा. अगर output होता तो ये correct होता, but ये price है. So price का मतलब यहां पे तो है ही नहीं, ये Burton में आएगा price सब कुछ. Burton model में price war है, Cournot model में it is all about the output, right? So it is the first one is right, this is correct, this is incorrect. So statement one is incorrect. No, this is wrong. ये तो गलत है, ये गलत है. Statement one is correct and statement second is incorrect. Right, all of you, this was a googly. I found this was a googly. Very good. All of you are giving me the right answer. No, it is not A. It is D. Right, very good, Chovik. Yes. Okay, let me change the slide. It's D. You can see that. Okay, statement one, we are in the paper 3 of 2018. देख देखते हम 25 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं. We have 71 questions, so let's quickly do away them. बहुत आगे तेजी से चलते हैं. Statement one, oligopoly is a situation where a few large firms compete against each other. Yes, under oligopoly there is an element of interdependence in the decision making of the competing firms. इसको दोबारा पढ़ता हूं एक बार. Under the oligopoly, there is an element of interdependence in the decision making of the competitive firm. I think yes, both of them are right because यहाँ पे they are working about, they are all naive. They don't understand the mutual interdependence. उनको ये समझ नहीं आता. They don't learn from the previous mistake. उनको लगता है कि जो उन्होंने किया वो अगली बार नहीं होगा. So they are naive. ये बहुत भोले हैं वो लोग, right? So the word is naive, right? So naive hai, and that is why they are interdependence on each other. Ye unko samajh nahi aata, lekin baad mein wo jab samajhte hain to fir humne seekha ki Edgeworth se hum kaise kar sakte hain. Jisko bhi thoda bhi problem hai Cournot ka model samajhne ke liye, so just type kijiyega mera naam, grade up, and Cournot ka
कुर्नॉट का मॉडल, कुर्नॉट का मॉडल, बर्टन का मॉडल, स्टेकलबर्ग, सारे मॉडल्स मैंने यूट्यूब पे किए हुए हैं, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट एंड लर्न दैट, राइट? सो इन दिस केस बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट, आई विल गो फॉर ऑप्शन सी, स्टेटमेंट वन एंड टू, एंड स्टेटमेंट वन एंड टू आर राइट. ओके, यस, बोथ आर करेक्ट, वेरी फैंटास्टिक. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मोनोपोली पावर, मोनोपोली पावर रेफर्स टू व्हाट? हम क्यों, हम नॉर्मली बात करते हैं मोनोपोली पावर, मोनोपोली पावर ये क्या होता है, इसके ऊपर पढ़ते हैं. आपने सीखा है आबा लर्नर का केस, जहां पे लर्नर मोनोपोली पावर का कंडीशन आता है. सो व्हाट इज दैट, इज दैट रिस्ट्रेन इम्पोज्ड ऑन द कॉम्पिटिटर्स ऑन ईच अदर, रिस्ट्रेन इम्पोज्ड ओवर कॉम्पिटिटर्स बाय द प्राइस मेकर, रिस्ट्रेन इम्पोज्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बाय ईच अदर, रिस्ट्रेन इम्पोज्ड ऑन द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच अदर. सोचिए इस क्वेश्चन का, थिंक ऑफ इट जल्दी से. मोनोपोली पावर क्या लगता है, अगर इसके बारे में नहीं भी पढ़ा तो आपको अगर गेस करना है तो व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस. फैंटास्टिक ऐश्वर्या, वेरी गुड. नो श्रीनाथ, थोड़ा सोचो और. रिस्ट्रेन इंपोज्ड ऑन मोनोपोली पावर किस पे कर सकता है वो, इट दैट इज व्हाई दे आर यूजिंग रिस्ट्रेन्स, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड शोविक, प्रियंका एंड रवि. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज रिस्ट्रेन इंपोज्ड ओवर कॉम्पिटिटर्स बाय द प्राइस मेकर. रिमेंबर दिस इज अ मोनोपोली, सो मोनोपोली में द प्राइस मेकर इज द प्राइस टेकर, राइट? इसीलिए वो रिस्ट्रेन इंपोज कर रहा है किसके ऊपर, बाकी कॉम्पिटिटर्स के, ताकि वो लोग एंट्री ना कर सके, राइट? सो दिस इज द ऑप्शन हियर, दिस इज द राइट ऑप्शन बी. जनवरी 2018 पेपर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर, वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन. आई विल गिव इट 3 स्टार, वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन. अगर बहुत ही यूनिक क्वेश्चन होता तो मैं 5 देता, बट दिस इज अ 3 स्टार क्वेश्चन. While production goes on, marginal fixed cost is always, ये कभी सीजन सुना भी नहीं है कि what is the marginal fixed cost. देखिए total fixed cost कैसा लगता है दिखने में, ऐसे, right? AFC कैसा लगता है, ऐसे. So what about marginal fixed cost? Marginal, इसको थोड़ा दिमाग लगाते हैं. What is marginal? Marginal मतलब increment. That is the fixed cost that we incur for producing one more unit of output. थोड़ा ब्रेक डाउन कीजिए. मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज द एडिशनल कॉस्ट दैट यू इंकर टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट. एमसी का ही भाई है ये, राइट? सो यहां पे क्या होगा, क्या होगा इस जगह पे मार्जिनल कॉस्ट, क्या होगा मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट, क्या होगा फॉर एडिशनल प्रोड्यूसिंग. मार्जिनल तो है ही नहीं, एडिशनल तो कुछ है ही नहीं, तो दिस इज जीरो बिकॉज यू डोंट इंकर एनी एडिशनल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट जब आप कोई एक नया आउटपुट बना रहे हैं. तो यहां पे द आंसर शुड बी जीरो, राइट? बिकॉज कैसे जीरो आया, बिकॉज आपका चेंज ही नहीं है. देखिए टोटल आउटपुट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो सेम है, कांस्टेंट है, देयर इज नो चेंज, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट. इसलिए व्हाट इज, देखिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस, थोड़ा सा और लॉजिक लगाते हैं इसके ऊपर, राइट? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट, सो व्हाट इज द मार्जिनल कॉन्सेप्ट. मार्जिनल कॉन्सेप्ट इज डेल्टा टी एफ सी अपॉन डेल्टा क्यू, राइट? दिस इज वॉट द डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल फिक्स कॉस्ट. बट यहां पे दिस इज कॉन्स्टेंट, इट इज नॉट चेंजिंग, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, राइट? कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो. सो मैंने आपको मैथमेटिकल लॉजिक भी दिया, आपको ओरल लॉजिक भी दिया, द आंसर इज जीरो, थिंक ऑफ इट, राइट? यस डेफिनेटली शोविक, दैट्स अ पॉइंट, वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ तभी तो मैंने देखो आपको लॉजिकली बताया, भुवनेश्वर आपको लॉजिक भी बताया कि टीएफसी जो है वो कांस्टेंट है, उसके ऊपर बार जो लगा है उसका कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट का मतलब क्या है, वो चेंज नहीं होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, दैट इज व्हाट द आंसर इज, राइट? घुमाएंगे बहुत, घूमना नहीं है, दैट इज व्हाट द आर्ट इज, राइट? द बुक वैल्यू ऑन कैपिटल इज ऑथर्ड बाय, डेफिनेटली बाय हिक्स, जे आर हिक्स इन 1931, सो दिस वॉज देयर, सो डेफिनेटली नो अदर आंसर इज रिक्वायर्ड. ओके, एन इंडिविजुअल लेबर इनवेरिएबली, इसका ये बच्चे बहुत कंफ्यूज हो इस वर्ड से. इनवेरिएबली का मतलब है ऑलवेज, कभी चेंज नहीं होने वाला, हमेशा एक जैसा एकाकी रहने वाला. एन इंडिविजुअल लेबर शोज बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व, यस, बिकॉज दिस लुक्स लाइक दिस. इनिशियल वेजेस के साथ लेबर बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लेजर बढ़ने लग गया, लेबर पहले बढ़ा फिर लेजर बढ़ा. सप्लाई ऑफ लेबर टू एन इंडस्ट्री शो हाई इलास्टिसिटी, दैट इज जस्ट लेबर सप्लाई इज हाईली इलास्टिक टू द इंडस्ट्री. जैसे भी थोड़ा भी वेज में चेंज हुआ,
though it is elastic. So in this case, what should be the right answer here? In this case, what should be the answer here? I found this one right and this one also right, because किसी भी इंडिविजुअल लेबर का जो है वो बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ सप्लाई कर्व आएगा. और दूसरा पॉइंट क्या है कि लेबर सप्लाई जो है दैट इज हाईली इलास्टिक. दैट इज इलास्टिक का मतलब क्या होता है? चेंजेबल, राइट? जब कोई चीज बहुत जल्दी चेंज हो जाए, किसी भी चीज की वजह से छोटा सा भी अगर चेंज हुआ उसकी वजह से बहुत सारी चेंज हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज हाई इलास्टिसिटी. सो यहां पे बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आई विल गो विथ यस. वेरी फैंटास्टिक, बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट. ओके, द नेक्स्ट वन. In the long run, profit maximization firm will choose. ये भी देखिए बहुत interesting question है. I will give it 3.5 star. Very important question. 0.5, right? 0.5. So this is again a very important question जो कि हम लोग कभी नहीं सोचते हो. ये mind twisting question है. In the long run में we know that profit maximize तो जो भी होता है, that is a zero economic profit, right? Zero economic profit, that is a normal profit. Will choose to exit. कौन एग्जिट करेगा लॉन्ग रन में? ये तो हमने कभी किसी बुक में पढ़ा ही नहीं है. लॉजिक लगाना पड़ेगा अब, राइट? सो दिस विल हैपन जब फिक्स्ड कॉस्ट एक्सीड टोटल कॉस्ट. नो, क्योंकि लॉन्ग रन में तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है फिक्स्ड कॉस्ट का, तो ये गलत है. ये भी गलत है बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में बात चल रही है. मार्जिनल कॉस्ट इज अबव एवरेज कॉस्ट, ये होता है आपका. मार्जिनल कॉस्ट इज अबव द एवरेज कॉस्ट. सो अगर ये कंडीशन हुआ तो ये तो गलत ही है, ये कभी हो ही नहीं सकता. मार्जिनल कॉस्ट तो कभी भी ऊपर ही नहीं आ सकता. इट विल बी ऑलवेज डाउन, यहां से कटेगा. सो ये भी नहीं हो सकता. इट इज द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द प्रोडक्शन इज लेस देन द टोटल कॉस्ट. नाउ इफ यू सी दिस, सपोज दिस इज व्हाट माय टोटल कॉस्ट एंड टोटल, सो दिस इज व्हाट माय टोटल रेवेन्यू इज एंड टोटल कॉस्ट इज माय एस शेप इनवर्स कर्व लाइक दिस. सो ये तभी होगा जब टोटल रेवेन्यू जो है वो लेस है, बिकॉज इन दिस केस जब TR is less than total cost, that is the profit is TR minus TC. और जब TR छोटा है तो यानी कि this will be negative profit. And negative profit जब होगा तो long run में profit maximizing firm will quit the market, because already zero economic profit earn कर रही है वो, right? Zero economic profit का मतलब क्या हुआ? That price is minimum of ABC, right? It can cover it, the price is minimum of AC curve, right? Not ABC. यानी कि सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट जो है उसका फायदा मिल रहा है. अब अगर वो भी नहीं मिले तो उसको निकल जाना पड़ेगा. इट इज अ शट डाउन पॉइंट हियर. सो इन दिस केस इट इज सी आंसर दैट इज राइट. सो आंसर नंबर सी. यू सी दैट हाउ आई हैव डिराइव्ड इट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज हमने कभी ये सुना नहीं कि लॉन्ग रन में कोई मार्केट एग्जिट कर रहा है, राइट? हाउ डू यू फाइंड दैट क्वेश्चन ऑल ऑफ यू? लेट मी आस्क दैट. वेरी फैंटास्टिक अकीफा, प्रियंका, सभी ने आंसर मुझे सही दिया यहां पे. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज, डिमांड हम क्यों करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का? बिकॉज वी वॉन्ट टू हैव, दैट्स अ डिराइव डिमांड. हम डिमांड इसलिए नहीं करते कि हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डायरेक्टली कंज्यूम करना है. हम इसलिए डिमांड करते हैं ताकि हम उसका गुड्स बना सके, उसको माल के रूप में यूज कर सके, उसको बेच सके, आउटपुट को बेच सके. एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज डिराइव डिमांड. वॉट इज अ डिमांड फॉर लेबर? इट्स डिराइव डिमांड बिकॉज यू डिमांड फॉर लेबर क्योंकि आपको आउटपुट बनाना है. आप उसको घर का काम करवाने के लिए लेबर को हायर नहीं करते. दैट इज कॉल्ड एज डिराइव डिमांड. द आंसर दिस क्वेश्चन इज ए. ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी फैंटास्टिक. 32 क्वेश्चन. द टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट इज गिवन टू अस. व्हाट वुड बी द इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ द फर्म? नाउ कैसे निकालेंगे इसको? यू कैन गो बाय टू मेथड्स, राइट? सो द फर्स्ट मेथड इज गो फॉर दिस. प्रॉफिट इज इक्वल टू टी आर माइनस टी सी. Right, this is already given to you as TR, right? Total revenue is given. So, यहाँ पे करिए 30Q minus Q square minus 20 plus 4Q, right? So, it's just इसको थोड़ा सजा लीजिए. 20 minus 4Q and this will be, okay, this is Q, right? Minus Q square minus plus 26Q, right? I'm bad in calculation. That's what the point is. बाकी मुझे क्वेश्चन आप कुछ भी दे दीजिए, मैं कर दूंगा. थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रॉब्लम होता है. माइनस स्क्यू स्क्वायर यहाँ पे आ गया, 30 माइनस 4 26 आ गया, यहाँ पे माइनस 20 आ गया. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एज पर द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हमें अब डी पाई बाय डी क्यू करना पड़ेगा. सो डी पाई बाय डी क्यू इज 2Q plus 26 and equate it to 0.
सो यहां से हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी. सो क्यू इज इक्वल टू माइनस 26 अपॉन 2 और माइनस यहां पे है दैट इज 13, राइट. सो आंसर हमारे पास है यहां पे, नो वरीज. सो क्यू इज इक्वल टू 13. जिनको दूसरे तरीके से करना है वो दूसरे तरीके से भी कर सकता है कि आप यहां पे क्या करिए, इसको टी आर की जगह पे एम आर कर दीजिए. सो जब भी आप एम आर करेंगे तो दिस विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ टी आर अपॉन टी क्यू. दिस इज बेसिकली 30 माइनस 2 क्यू और ये क्या है, ये एम सी कर दीजिए आप. तो इट विल बी डी सी अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू 4, राइट. सो जस्ट 30 माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू 4 बिकॉज एम आर इज इक्वल टू एम सी होना चाहिए आपके पास. एंड दिस इज 30 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 क्यू. क्यू इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 दैट इज 13. सो यहां पे आगे आपको करने की जरूरत नहीं है. इनकेस यू वॉन्ट यू कैन जस्ट सॉल्व दिस अगेन. सो डी पाई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर निकाल दीजिए सो दैट आप देख सकें कि ये मैक्सिमम है कि नहीं है. अगर हम निकालते हैं तो वो इस चीज का निकलेगा, इट इज माइनस 2. सो यू कैन सी दैट दिस इज लेस देन 0. सो इट इज प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड, प्रॉफिट मैक्सिमाइज 13 में हो रहा है. सो आंसर इज 13. आई हैव गिवन यू द कंप्लीट आंसर टू दिस. वेरी फैंटास्टिक. ऑल ऑफ यू थ्रू विद दिस? सभी को समझ में आया ये केस? ऑल ऑफ यू ग्रेट, वेरी गुड. मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गिवन मी द राइट आंसर. ओके, अप्रैल 2017. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. अच्छा, आई एम सॉरी फॉर दिस बिकॉज ये जो पेपर्स थे दीज वर नॉट लाइक यू नो यू कैनॉट कॉपी पेस्ट देम. सो आई विल टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ देम. सो इसलिए थोड़ा सा आपको अलग सा लगेगा. आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बट इसको मैं कॉपी नहीं कर सकता था. इसको आई कैनॉट एडिट देम, राइट. सो दैट इज वाई यू आई कैन शो यू इन दिस मैनर. Rationality principle of revealed preference indicate rationality, right? This is RP theory के हिसाब से जो वहां पे rationality है उसका मतलब क्या है, right? All of you ready with this question answer? Rationality principle of revealed preference indicates maximization of the satisfaction and the preference to the bigger over the smaller bundles of good. Maximization of satisfaction with the same bundle of goods? No. Maximization of satisfaction despite a decline? No. Maximization of the satisfaction and the preference to smaller goods over bigger goods, bigger bundle of goods. Preference to the smaller goods. No, this is wrong. It is right. Maximization of satisfaction and preference to the bigger over the smaller bundle of goods. Because it is always said, rationality ka matlab kya hua yahan pe? Ki consumer ke dimag mein bheja hai. Right? That's what we always understand. कि रैशनल है, वो दिमाग लॉजिक यूज करता है तो वो सेटिस्फाई करेगा अपनी मैक्सिमाइजेशन को वो सेटिस्फाई करेगा, राइट. बट दिस ऑप्शन ये हर जगह पे है तो ये कोई नई बात नहीं है. बट इसके साथ साथ वो हमेशा एम आई बी करेगा, राइट. व्हाट इज एम आई बी? मैन इन ब्लैक नहीं, हाँ, इट इज मोर इज बेटर. सो वो हमेशा बड़े बंडल्स को जाएगा, छोटे बंडल्स को प्रेफर नहीं करेगा. व्हाट इज बड़ा बंडल यहां पे? सो बड़ा बंडल इज सपोज 14 एंड 15, where this is x, this is y, and smaller bundle क्या होगा 7 and 8, right? So दोनों goods के ज्यादा से ज्यादा सामान होना चाहिए. That is why he is called as rational consumer, because वो ज्यादा देखेगा, वो ज्यादा consumer satisfied करेगा अपने आप को, and इसके लिए वो ज्यादा bundles पे जाएगा. Remember when I was teaching you? Yes, monotonic preference is fantastic. It's called as MIB. I always refer is as MIB. मतलब more is better. Okay, move to the next question. The answer is A here. 34th, we have to match the following. So, ye panel A hai, right? This is panel B. Let's match it. So, King demand curve was given by, or what is this? It is King demand curve, quantity, rigidity. Ek question aaya tha UGC net mein, bahut interesting question tha. Ki King demand curve kya dikhata hai? Rigidity kis mein dikhata hai? Quantity mein ya phir price mein? किंग डिमांड कर्व दोनों में दिखाता है, प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही रिजिड रहता है. सो अगर इस जगह पे क्वांटिटी की जगह प्राइस भी आ जाए तब भी आंसर सही है. किंग डिमांड कर्व क्वांटिटी हो गया. आइसोक्वांट क्या दिखाता है देखें. आइसोक्वांट इज बेसिकली कन्वेक्सिटी एंड अ नॉन इंटरसेक्शन बिकॉज नो टू आइसोक्वांट्स कैन कट इच अदर. दिस इज रॉन्ग, राइट. शिफ्ट इन डिमांड तभी होगा जब आपका इनकम चेंज होगा, राइट. जब आपका डिमांड कब ऐसा है, आपका डिमांड ऊपर की तरफ चला जाएगा अगर आपका इनकम चेंज हो गया है, राइट. ओके, देन अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व इज बेसिकली द इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट. सो ए गोज फॉर 4, राइट. ए गोज फॉर 3. ए 3 जा रहा है, बी इज गोइंग फॉर 4,
then C is going for 1 and D is going for 2nd. So 3, 4, 1, 2. 3, 4, no, ye nahi hai. 3, 4, 1, 2. It's D. Right? Aap sabhi ne aise kiya? Very good. So it is D. Okay. What can you say about the indifference curve that is positively sloping? Very fantastic question. Bahut acha question hai ye. Let me give it 4 star because aise questions normally aap UGC net pe bhi nahi dekh sakte. Very important question. Positively slope. Understand. IC curve aisa lagega. Kab ho sakta hai? When it can be? Anyone? Okay. I will solve this question, but pehle main aap sabse poochna chahta hoon. When can be an indifference curve a positively slope? Think of it. Sochiye. Thoda sa help dekar deta hoon, hint deta hoon. When one good is bad good, another one is good good. So bad good maan lijiye yahan pe rakhta hoon agar main, this is bad good and this is good good. Right? So ye question bahut important hai. Jo net ke liye bhi taiyari kar rahe hain, unke liye bhi important question hai ye. Ab dekhiye. यहां पे उल्टा होता है जब नॉर्मली हम लोगों के पास आईसी ऐसे होता है सो हायर द आईसी इज द हाईएस्ट इज द सेटिस्फैक्शन बट यहां पे क्या हुआ जितना ज्यादा ये और ऊपर जाएगा उतना बढ़िया राइट सो यहां पे क्या है दिस इज अ बैड गुड सो एवरी टाइम कंज्यूमर ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन वो साथ ही साथ लेफ्ट वर्ड भी जा रहा है यानी कि वो बैड गुड को कम कंज्यूम कर रहा है और गुड गुड को ज्यादा कंज्यूम कर रहा है एक एग्जांपल की तौर पे मैं आपको दिखाता हूं ऑन द नेक्स्ट स्लाइड यू हैव दिस इज द फिगर यू हैव द पॉल्यूशन हियर पॉल्यूशन इज अ बैड गुड हियर एंड क्लोथिंग इज अ गुड गुड हियर सो इसीलिए आपका IC4 IC1 दिस इज ऑन दिस साइड दिस इज ऑन दिस साइड राइट सो आप हमेशा इधर की तरफ जा रहे हैं राइट सो इन दिस केस द सॉल्यूशन इज डी Both the commodities are, no, I think just a minute, positively slope. Yes, so both the commodities are unwanted commodities. Maine aapko example diya yahan pe. So now think of it, if you have both the good, yahan pe agar bad good bhi laga de, if you have another bad good here, so it will be like this only, positively slope, right? So this is the answer here. Both, one of the good is wanted. Okay, I think I will go for this option. There is some mistake here. I will go for one good is wanted, another one is unwanted. That is bad and this is good. I think there is some mistake here. This should be option B. Right? What do you say? Am I right or wrong? Right? I'm right here. Right? It should be B, not D. Very good. So, jo mere sir ke piche chup gaya hai, that is pollution. What you cannot see now, it is pollution, right? Okay, move to the next question. If the commodities are perfect complement of each other, the corresponding indifference curve would be. Let's complete 2017 first, right? Uske baad hum isko band kar denge, right? Let's complete to the 2017 and then I will close it, right? I know sabhi ka sabhi festive season hai, thoda sa tension ho raha hai, bahut zyada time aap padhne ka sir, abhi bhi padha rahe ho sir. So let's complete 2017 and then we'll wind up. What do you say? All of you? Right or wrong? How many of you are with me? Koi bhi nahi hoga sir. Abhi band kijiye abhi. Sir, ye festive season chal raha hai sir. Kyun hume padha rahe ho? Okay, done. If the commodities are perfect complement of each other, the corresponding indifference curve will be L-shaped curve, right? So koi aur tension nahi hai isme. L-shaped curve hi answer iska. Who were the main proponents of new welfare economics? Right. Okay. Old welfare economics. मैं लिख देता हूँ इसको जिसको समझ में आ गया बढ़िया जिसको नहीं आ गया उसके लिए मैं लिख देता हूँ. So it is the old welfare economics. We have Pigou, we have Pareto. Right. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? New welfare economics आया. The new welfare economics में we have number one as Calder and Hicks. Right. उसके बाद कौन आया? यहां पे आया कैल्डर हिक्स उसके बाद आया स्किटोस्वी स्किटोस्वी देन वी हैव आईएमडी लिटिल देन वी हैव विलियम्स गोरमैन देन वी हैव सैमुलसन सो ये सारे के सारे जो है वो न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आते हैं बिकॉज
पीगो एंड पैरेटो ने जहां पे एंड किया, पैरेटो ने इंप्रूवमेंट किया, पैरेटो के एफिशिएंसी पे इंप्रूवमेंट किया कैल्डर ने, कैल्डर के ऊपर स्किटोस्वी ने, स्किटोस्वी के ऊपर आईएमडी लिटिल ने, आईएमडी लिटिल के ऊपर विलियम्स ने, और सबसे लास्ट वर्जन जो आया था दैट वॉज सैमुएलसन. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, बिकॉज इट इज हिक्स सैमुएलसन, हिक्स कैल्डर एंड स्किटोस्वी. राइट, सेन वॉज नॉट इन्वॉल्व इन न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स, सो इसलिए उसका उनका नाम नहीं आएगा यहाँ पे. सो इट इज बेसिकली हिक्स कैल्डर एंड स्किटोस्वी. राइट, नो इट इज सी निशा, इट इज सी 37C. ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन टीआर इज मैक्सिमम, अगेन फैंटास्टिक क्वेश्चन, 4 स्टार फ्रॉम मी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ट्विस्टेड क्वेश्चन. 4 स्टार, द टीआर इज मैक्सिमम, द करस्पॉन्डिंग एमआर इज इक्वल टू 0. ये सही है. वी हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. When the TR is maximum, the corresponding elasticity is equal to 1. Right? इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा. ये है आपका total revenue. So total revenue जब आपका maximum है, आपका elasticity equal to 1. Right? Okay. When the TR is maximum, is rising and positive, ED is greater than 1. When TR is rising and positive, ED is less than 1. Anyone who can find the answer to this question? Let me ask all normal janta. जी, वेरी फैंटास्टिक. एनीवन हु कैन गिव मी द आंसर टू दिस? इसके लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी. ओ माय गॉड, रवि फैंटास्टिक. रवि हैज गिवन मी द राइट आंसर आई सपोज. वेरी फैंटास्टिक, यस. ओके, देखिए आपको इसके लिए तो कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव टी आर, दिस इज योर टी आर. राइट, किसी भी तरह से आप टीआर ले लीजिए और आपका जब ये मैक्सिमम होगा तो आपका एमआर जो है वो 0 हो जाएगा. राइट, दिस इज फाइन, दिस इज करेक्ट. सेकंड पॉइंट जो टीआर के लिए है, टीआर इज मैक्सिमम, इसके लिए यू हैव टू यूज दिस ग्राफ. यू कैन सी दिस ग्राफ. राइट, दिस इज अगेन टीआर एंड यहां पे आपको देखना है कि जब ईडी 1 है, सो व्हेन ईडी इज 1, दैट इज इलास्टिसिटी इज 1, दिस इज 1, एमआर इज इक्वल टू 0, टीआर इज मैक्सिमम. फैंटास्टिक ग्राफ. Right, so this is answer, it is also right. When TR is rising, this portion, and it is positive, elasticity is greater than 1. Yes, it is right, because yahan pe TR is rising. Right, so yahan pe kya hua? Your ED is greater than 1. This is right. Now, the next point is, TR is rising and positive, then ED is less than 1. Nahin. Jab ye rising hai, TR is rising, we can see correspondingly elasticity of demand is greater than 1. So it is incorrect. So the answer is B. Very good, Ravi. Fantastic. Ravi has given me the right answer first. So you can see the answer here. Right? Hanji, Hanji, Hanji. Shovik, lekin pehle mere paas Ravi ka answer aaya. So I will appreciate him. Very good, Shovik and Akifa. Both of you have given me the right answer here also. क्या एक ही देखते दो सब्जेक्ट में पीजी? कृष्णा, आप इसको मुझे क्वेश्चन में कमेंट में डाल दीजिए, मैं इसको क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं आपको. कृष्णा जी, मैं जरूर बता दूंगा. आप मुझे एक बार इसका प्लीज आप यू पुट इट ऑन द कमेंट सेक्शन, मैं आपका आंसर दे दूंगा. अभी नहीं, बिकॉज आई एम स्टिल इन द मूड ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग. राइट, ओके, फाइन, थैंक यू. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत जल्दी खत्म करते हैं इसको. द आंसर इज बी, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट कैन यू से अबाउट ऑल दीज स्टेटमेंट्स? राइट, ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिफन गुड्स. क्या आंसर होगा, कौन सा राइट है इनमें से? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट. एंड कौन सा वाला होगा? देखिए, ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, ये हमें पता है, बिकॉज सारे के सारे गिफन गुड्स जो है वो इंफीरियर ही होते हैं. But not all inferior goods are Giffen goods. This is what the statement is. Because Giffen good के लिए आपका income effect जो है वो negative होता है यहाँ पे, right? कि that means जब income fall होगा तो demand बढ़ेगा, right? So this is what the point is. So this is the reason why we say that here this is right but this is wrong. Inferior goods, सारे के सारे inferior goods Giffen goods नहीं होते, लेकिन सारे Giffen goods जो है वो inferior होते हैं. राइट, सो यू कैन रीड दिस इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया. और याद इतना रखिए कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इनकम इफेक्ट.
right? And substitution effect is always negative. So normal goods and inferior good may substitution effect is greater than the income effect. But in given good, what happens? The substitution effect is less than the income effect. Or isliye income effect jo hai wo positive hai. That is why substitution effect ka ulta ho jata hai. This is negative. Itna outweigh nahi kar paata. And the final effect of the price effect is that it is positive. So in this case, the answer is all given goods are inferior goods, right? But all inferior goods are not given goods. Ye galat hai. So answer is B. That is a statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Right? Okay, very fantastic. A is correct. Very, very good, Bhupreshwar, Angira. Both of you have given me the right answer. Very fantastic. Okay, moving to the next one. When a monopolist is in a position to, we are in the paper 3, 2017. When a monopolist is in a position to sell each separate unit of commodity at different prices. Yani ki har ek unit ko wo different price mein bech raha hai. This is the case of which price discrimination? So which what will happen in the first degree, second degree and third degree? Ye sochiye isko. This is the case of first degree. Jab wo sare ke sare ko cheezon ko change karke bech sakta hai. So answer, you can see that. You can see it from here. This is a condition jab wo har ek unit ko, So this is unit number 1, Q1, Q2. Like this, you can have at different prices. You can see that. So this is a case of first degree discrimination. Right? हालांकि ये सबसे कम दिखता है नॉर्मल लाइफ में सबसे ज्यादा जो चलता है वो सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री दिखता है ओके नेक्स्ट इज दिस वन मैच द फॉलोइंग सो बॉमोल के साथ क्या हो सकता है मॉरिस के साथ क्या हो सकता है लेट्स सी लेट्स मैच इट सो बॉमोल गोज फॉर सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मैरिस गोज फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ रेट इफ आई एम नॉट रॉन्ग यस दिस इज व्हाट Stride and Mark goes for maximum satisfaction and the Marshall goes for profit maximization. If I'm not wrong. Yes. So it should be A goes for second. This goes for fourth. Third. Second, fourth, second. Fourth, third, one. The answer is D. Okay, very good, very good. Most of you have given me the right answer. Fantastic. Equilibrium under excess capacity. Excess capacity, monopolistic competition occurs. Kab hota hai? Equilibrium under excess capacity. Kab hota hai? Isko sochte hain thoda sa iske upar. You will know that this is the situation. Jab hum perfect competition mein hote hain. So this is the case where price is equal to AR is equal to MR. Right is equal to demand. This is my AC curve, right? Or yahan pe kya hota hai? This is what my marginal cost curve is, or this is what this is all happens in the PC market. But jab hum monopolistic competition mein jate hain, to ye pura condition kaise ghum jata hai? It goes like this. We have the AC curve. Let me draw the AC curve first, and thereafter, what we have is the demand curve. Demand aisa ho jayega yahan pe. So this is what my demand curve is because this demand is negatively slope here, pe, right? And then you have this one as this is the equilibrium, and I have the MC curve here, pe. And this, if this is my demand, this is what my MR. Ye mera AR hai, right? So ye jayega aise. This will go like this. So let me, I think I have the graph here. I will show you a much better graph. Either maine abhi banaya hai. You can see this part here, right? So this is what the condition is, monopolistic competition. This is what my, ye kaun sa curve hai? Ye mera hai MR. This is what my AR curve is. So as per this, this is what my equilibrium is. So yahan se main upar jaunga to describe, to find out price. It is touching here, but hona chahiye tha yahan pe, that is the minimum point of AC. Excess capacity hai, that is distance of equilibrium from the minimum point of SAC curve. So ye hai jo point yahan pe hona chahiye tha, that is basically this is the point, right? So ye point jo hai, one point or two point, ye dono same hai, right?
सो क्योंकि मिनिमम एक्सेस कैपेसिटी इतना पोजीशन है जो कि हमारा एक्सेस कैपेसिटी में है. सो एक्सेस कैपेसिटी जो है वो ऑलवेज डिटरमाइन होता है मिनिमम पॉइंट ऑफ एसएसी कर्व से. सो आउटपुट इज लेस देन वन एट विच द एवरेज टोटल कॉस्ट इज मिनिमम. लेट्स सी द आंसर हियर. दिस इज द आंसर बिकॉज आउटपुट जो है वो कम है. आउटपुट प्रोड्यूस्ड और एफिशिएंट स्केल इतना प्रोडक्शन कर सकते थे लेकिन किया नहीं. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सेस कैपेसिटी. आई बिलीव दिस इज क्लियर. किसी को कोई डाउट है इसमें? ऑल ऑफ यू थ्रू विद दिस? नो. इट इज मैक्सिमम मनियोल. यू आप ध्यान से देखिए. एवरेज टोटल कॉस्ट फर्स्ट ऑप्शन जो है वो मिनिमम है. सेकेंड थर्ड सी ऑप्शन जो है उसमें मैक्सिमम लिखा है. ध्यान से देखो. राइट. सो आंसर इज ए हियर. दिस आर ऑप्शन राइट. ए इज ऑप्शन. ओके. पेपर थ्री 43rd क्वेश्चन. व्हाट कैन यू से अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन द एमपी ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज नेगेटिव. ये गलत है बिकॉज फर्स्ट स्टेज में ही एमपी कैसे नेगेटिव हो सकता है. इट इज स्टिल यू नो इट इज राइजिंग. इन द थर्ड स्टेज द एमपी ऑफ फिक्स फैक्टर इज नेगेटिव. एमपी ऑफ फिक्स फैक्टर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फिक्स फैक्टर. We are not talking about the marginal product of capital anymore because capital jo hai yahan pe fixed hai. So agar capital ka marginal nikalenge, that is a change in the capital with respect to the change in output, that is negative, that is zero. MPK is zero because K is a fixed factor here. So what I think is in this case both the option are incorrect. Both the options are incorrect because ye yahan pe agar third stage hota to ye sahi tha. सेकेंड यहां पे फिक्स फैक्टर नहीं हो सकता. राइट. दिस इज किसी भी स्टेज में चाहे वो थर्ड हो फोर्थ हो सेकेंड हो वन हो एमपी ऑफ फिक्स फैक्टर कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज एमपी ऑफ फिक्स फैक्टर विल बी ऑलवेज बी जीरो बिकॉज हम लोग वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं. दैट इज हैपनिंग इन द लॉन्ग इन द शॉर्ट रन. राइट. ओके. व्हाट कैन यू से अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इन अ कॉम्पिटेटिव मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन एमसी एंड इन मोनोपोली मार्केट पी इज इक्वल टू एमसी. क्या ये सही है? सोच के देखिए. सिंस अ मोनोपोलिस्टिक इज अ सोल ऑपरेटर इन द मार्केट ही इज ऑलवेज बाउंड टू मेक ह्यूज प्रॉफिट. राइट. सो आई थिंक आई विल गो विद दिस इज आई थिंक दिस इज रॉन्ग हियर. दिस क्वेश्चन इज दिस ऑप्शन इज रॉन्ग हियर. कॉम्पिटेटिव प्राइस इज ग्रेटर देन एमसी and in monopoly market p is equal to mc. no, abhi humne dekha piche. this is wrong because it goes like this. if this is my demand, this is my mr. so ye mera ac curve hai. this is what my mc is. right. to ye galat hai. to dono hi galat hai. Monopolist is a sole operator in the market. He is always bound to. No, not at all. It is not the requirement. So both the statements are wrong here, I think. I will go for B. Both the statements are wrong. Yes. Identify the incorrect statement. In perfect competition market, price is in perfect competition market, price elasticity of product is infinite. In monopoly market, cross elasticity of demand for commodity is near to zero. Okay. Yes. In monopoly market, entry into the market is easily possible. This is incorrect statement. ये right है, ये right है, ये right है. So answer is third is the wrong answer. We have to find out the incorrect statement. Okay. The kinky oligopoly demand curve theory was put forward by Paul Suizy, right? But let me see, they have played with the number of years. Like it was 1939, it was given by Paul Suizy in 1939 after oligopolistic model of monopolistic oligopoly model, right? Okay, this is the answer here. Yes. Okay. Which one of the following is correct representation of the least cost combination? Least cost combination kya hota hai? That is where you have dy upon dx. That is the
both the things, or delta x2 upon delta x1 is equal to the price of x1 upon price of x2. It is goes like this. It goes like this. So it is delta x2 upon delta x1 is equal to price of x1 upon price of x2. This is the least cost combination. This is no, this is wrong. No, equal to plus to ho nahi sakta, galat hai. So the first one is the right one. Least cost combination matlab dono ka what is the price of x? This is what we have been doing, right? Iska matlab kya hua? The change in output of y upon change in output of x, that is your basically your the slope, right? And this is equal to w upon r, right? This is goes like this. So answer is A here. A few questions left for 17 and then we'll wind up. Okay. Q is given as this. The marginal revenue function is given by, so we have to find out what is my MR function. So yahan pe dekhiye, ye Q de rakha hai, right? So jab bhi question aise de rakha hai, de rakha ho, always transform that, right? Always transform that. So hame kya karna hai, hame TR nikalna hai. And what is TR? TR is equal to price into Q. So kya karna hai, hame isko change karna padega. And we will put it in a different format. So it will be, we'll work with the inverse demand function. So it is 2P is equal to 10 minus Q, right? Yeah, usko udhar hi rehne diya. So it will be plus, sorry, plus, and P is equal to 10 minus Q upon 2. So it is 10 minus Q upon 2 into Q. So this is TR. TR is equal to 5 q square upon 2. Maine isko aise tod liya thoda sa isko, right? So this is my TR. Now I have to differentiate it with respect to Q. So it is 5 wala to 0 ho jayega, minus 2 q upon 2, right? So this goes minus Q. Marginal revenue function, but yahan se to kuch bhi nahi aa raha. What is the problem? Let me do it again. So it is Q is equal to 10 minus 2P, or 2P is equal to 10 minus Q. P is equal to 10 minus upon Q by 2. So it goes like 5 minus Q by 2. So what is my TR? TR is equal to price into Q. So what is this? It is P. P is given as 5 minus Q by Q. Okay, I think I made a mistake here. It goes like this. So it is TR, DTR upon DQ is equal to 5 minus 2Q upon 2. It is 5 minus Q. Mine is coming as like this. Have I done it right? Mine is coming like this. कहीं गड़बड़ हुआ है तो बताइए जरा एक बार मुझे. All of you please check it out once. I think as per me, I should be getting this result. What do you say? What do you say, Shobhik, यहाँ पे? Have I done it right or wrong? I think मेरा option नहीं मिल रहा यहाँ पे. No, even if I don't shuffle it, even if I don't shuffle it, no, I have to do that. No, otherwise, MR kaise niklega mera? MR kaise niklega? Just check it out once. So, if, even if you say that I have to not to change it, then TR is equal to P into Q. So, P, Q kya aega? 10 minus 2P. So, kaise karunga isko leke? Shovik? 10P minus 2P square. This is TR. I cannot do it. I cannot make it TR, MR. Because MR karte samay mujhe yahan pe Q chahiye. Ye P ke saath hai. Ye to galat ho jayega pura. So don't start it like this. I think I made I might have made some mistake here only. So Q is equal to 10 to P. Idhar gaya. Idhar gaya. 10 by 2, Q by 5. This is fine. P
पी इंटू क्यू फाइव माइनस क्यू बाई टू इंटू क्यू फाइव क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन टू. दिस इज डिफरेंशिएशन फाइव माइनस टू क्यू माइनस टू क्यू. दिस इज राइट. ओके ओके आई एम गेटिंग फाइव माइनस क्यू. नाउ आई विल डू इट इन डिफरेंट मैनर. सो व्हाट आई विल डू फाइव माइनस टेन माइनस टू पी. कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कहीं पे घूम जाओ तो यू स्टार्ट डूइंग दिस. सो इट इज फाइव माइनस टेन माइनस प्लस टू पी माइनस फाइव प्लस टू पी. Everything is 10 here. Let's multiply it with 2. Minus 2. So minus 10 plus 10 minus 2 minus 4p. This is coming. Can I change it somewhere if I multiply it with 2? I think so. There is some problem with the question, but answer is something 5 by q. Agar mujhe answer dena hi hai, toh I will go for this answer. ऑप्शंस गलत लग रहे हैं. व्हाट यू से? नो आई हैव नॉट डन इट रॉन्ग. प्लीज आप चेक कर सकते हैं. इफ यू वांट यू कैन डू इट. ऐश्वर्या आई हैव गिवन आई हैव सॉल्व दिस परफेक्टली. देयर इज नो वे दैट यू कैन. हाउ सो व्हाट? नो 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 आई विल नॉट एग्री विद. लुक गाइस, ऐश्वर्या इज सेइंग सर क्यू इज ऑलरेडी गिवन टू यू. यू कैन डायरेक्टली प्रोसीड. नो आई विल नॉट प्रोसीड लाइक दिस ऐश्वर्या. So because q is given to me, if I do it p into q, so what will it happen? Where I will land up is somewhere like this. So p into q, that means 10 minus 2p. And if I multiply this, it is 10p minus 2p square, right? I cannot make it mr now. Because mr ka matlab kya hai? Mr ka matlab hai delta tr upon delta q. I don't have q here. So how can it proceed? I hope you are through with this statement. Yes, this is a major mistake that most of the students do. Don't do this. Whenever question is given to you in this format, kabhi bhi kisi bhi case mein, q is equal to 10 minus 2p, always remember you have to shuffle it. That is what, this is the correct demand function, right? This is the correct demand function. We have to inverse it. We have to reverse it. So it should be always 2p, 10 minus q, p is equal to 10 upon 2 minus q upon, like this. This is 5, q by 2. Now this is my price. That's fine now. So TR is equal to P into Q. So this 5 minus Q upon 2 into Q. It is 5Q minus Q square upon 2. Now I will differentiate it with respect to Q. This is 5 minus 2Q upon 2. I think I'm right. So some problem might be there with this case. Some problem might be there. I think so. Right. Anyway, so don't worry. So guys, I think this is we are already like 1 hour 30 minutes. So let's wind up the session. I will just show you the questions, next questions, what I have in my screen. So this is what the last question was. May 2016 is there. So I will just show you the recorded version. So that aap dekh sake iske options jo maine banaye the aapke liye. Next, for Maharashtra set, we are going to meet on next Saturday, right? Next Saturday and next Sunday. So I will be coming up with the macroeconomic section on previous question papers on next Saturday. I think the next Saturday date will be, if I'm not wrong, it will be 21st and 22nd, right? Is tarike se we all will be going like 15th of November. We have done today micro, then 21st, 20, if I'm not wrong, 21st and 22nd, right? We will be doing macro and another one, growth and development. Is tarike se every Saturday and Sunday we will be there online. We'll be doing some Maharashtra set examination questions. And I believe, how was it, all of you? Did you all like this concept? How was that? Let me know. I mean, like, all of you who are there, who can let me know about this on the YouTube, please comment it on the YouTube video and just let me know, so that it is beneficial for me to know what is your actual demand and whether we are on the right direction or not. Right, all of you, thank you so much, and do like the video, subscribe to the channel,
एंड सो दैट ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हम लेके आ सके। आपको जो और चाहिए कि सर हमारे लिए झारखंड सेट है, एपी सेट है, वेस्ट बंगाल सेट है, प्लीज लेट मी नो, प्लीज पुट इट ऑन द कॉमेंट सो दैट हम लोग इसके ऊपर सोच सके एंड वी कैन कम अप विद दिस। और महाराष्ट्र सेट के ऊपर बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था, 27 दिसंबर को पेपर भी है, सो वी आर कमिंग अप विद ऑल दीज क्वेश्चंस सो दैट ऑल ऑफ यू कैन प्रैक्टिस। आई एम जस्ट शोइंग इट सो कि आप लोग रिकॉर्डिंग में देख सकें इसको। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मीट ऑन 21st ऑफ नवंबर फॉर मैक्रो इकोनॉमिक सेशन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे एंड अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। Have a very good festive season. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.